शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं कि इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? वो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है, उनकी नज़र में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है, तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है। वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? नो, हियर यू आर रॉन्ग। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड, आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है। शहबाज शरीफ साहब ने बात किया वो भी आलमी ताकतों को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए की? नहीं 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 सर, इसमें तो पूरी सियासत होती है ना। अब वो बात कर रहे हैं, वो जो जिनसे पैसे लेने हैं उनको खुश कर रहे हैं कि जी नहीं हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार हैं, कश्मीरियों को दे रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज दूसरा कश्मीर का हिस्सा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हें हम जो है इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? ये भी आप तो मैनेजर हैं, मुझे देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमें ही मैनेज नहीं कर पा रही। यही बात है। अच्छा, वहाँ पे जो जॉब्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन कश्मीरियों को, हमें कश्मीर से प्यार है या कश्मीरियों से प्यार है, मुझे ये बताएं। ये तो मैं करता ही हूँ, टॉपिक और नहीं होता, इंडिया का लाजमी होता है कि आपके पास कोई एजेंट वगैरह तो नहीं है, इंडिया की टॉपिक होता है उसके बाद। वो पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है यार। ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल। पाकिस्तान के वाले से भी कोई टॉपिक ले आए। अच्छा सवाल किया, अगर अब मैं आपको बोलूं कि सर आप डेली जोन्स हैं वो गारमेंट ही सेल करते हैं, कभी आप कोई खाने की चीज़ भी सेल कर दिया करें, कभी आप कोई मतलब कोई और चीज़ भी सेल कर दिया करें, तो आप क्या आंसर करेंगे उसका? पिस रहे और पिसते रहेंगे? नहीं पिसते नहीं, उम्मीद अच्छे की रहेंगे। कब तक, कब तक मुझे बताएं, कब तक उम्मीद रखेंगे आप? देखें, जब तक मैं ये समझता हूँ 5 years हो गए, अभी भी आप क्या उम्मीद लगाएंगे आप इन लोगों से? सर अगर उम्मीद छोड़ देंगे, आप इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? तो फिर किससे उम्मीद लगाएंगे? आपने जहाज की बात की, पर वही बात आ जाती है ना कि ऐसे हमने एक पायलट पकड़ा ना उनका, तो वो कहते हैं जो अपना 93,000 फौजी थे, फिर वो उनकी एग्जाम्पल देते हैं, वो तो हम हर साल 10 pilot भी पकड़े तो उनके बराबर नहीं फिर पहुँच सकते। वो कारगर, आप सही कह रहे हैं, कारगर का क्या हुआ था, देखो चारक पकड़ ली थी ना उनकी। अच्छा पकड़ ली थी ना, ठीक है, और फिर उन्होंने छड़वा ली, छड़वाई, फिर जाहिर सी बात है यार आपको समझदार है आप। पब्लिक है ना, अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यार, सियासतदान है ना। अच्छा। सियासत समझ आम आदमी को आ जाए तो वो तो सियासत ही नहीं है ना। हाँ। और ये इतने बड़े बड़े हैं ये सियासतदान मोदी जी। हाँ। हम उनके तो कुछ भी नहीं है, जो सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हेल्दी माइंड की निशानी है। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं, दुबई में रहते हैं, वहाँ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में होंगे, इंडियंस भी बड़ी तादाद में होंगे, क्या आपके साथ जो इंडियंस काम करते हैं या जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है उनकी सोच में और हमारी पाकिस्तान की सोच में क्या फर्क है ओवरऑल? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सोच में डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा है। क्या वो ही तो पूछना चाह रहे हैं? मतलब वो हर इंसान की अपनी एक अलग ओपिनियन है, लेकिन है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, वी वर्क लाइक एज अ टीम, एज अ फैमिली, ओके, सो वहाँ पे इतना हमें फील नहीं होता, ठीक है, ओके, लेकिन सोच, हम किसी की सोच को नहीं देखते कि इनकी सोच में क्या चल रहा है हमारे मुताबिक, हमारे लिए नहीं, नहीं, और हमारी आइडिया तो थोड़ा बहुत होता है ना कि यार वहाँ के लोग किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ के लोगों में एजुकेशन कम है या ज्यादा है? नो, हियर यू आर रॉन्ग। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड, आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, हमारी कौम अभी बहुत पीछे है, क्योंकि मैं वहाँ दुनिया देखता हूँ, मैं वहाँ पे एक्चुअली आई लिव इन दुबई सिंस लाइक 8 years, ठीक है, 8 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ मैंने वहाँ पे देखा है। हाँ। जो कि हमारे कौम में अभी वो चीज़ें नहीं वो है, चीज़ें नहीं बहुत है। पीछे हम लोग अभी, और हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, अपने मुल्क को, अपने नेशन को कामयाब करने के लिए। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि अभी हमारे कौम में नहीं, काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं और हर तरह के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा होगा? क्या ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन बेहतर होंगे या इवन वो बात करने के लिए एग्री होंगे? देखिए, उन्होंने जो भी कोशिश की है, ओके, आई रियली अप्रिशिएट, ओके, हिज एफर्ट, आई रियली अप्रिशिएट, because he's our prime minister, we should give him respect, zabardast, okay, first of all, second thing is, pehle shahbaz sharif sahab ko chahiye ki aap apne country mein dekhein, hamare country mein kya chal raha hai, hamare country mein kya ho raha hai, hamari qoum kahan ja rahi hai, hamari meri qoum ko kya chahiye, hamare pakistani ko kya chahiye, mehngai yahan pe itni zyada hai, main har 2 saal ke baad pakistan mein visit karta hu, हर साल महंगाई आसमान को छू रही होती है, गरीब इंसान रो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं, खाने को घर में राशन नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं,
पहले शहबाज शरीफ साहब पहले अपने मुल्क को देखें, अपनी कौम को देखें, उनका सोचें, बाद में जो है आप ये दूसरी चीज़ें करें। ठीक है, नहीं देखिए अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उनके साथ हर इशूज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया वालों का ये स्टांस रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और दूसरे नंबर पर जो अगर आपने हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो कश्मीर के हवाले से इधर साथ आ जाएँ। कश्मीर के हवाले से जो है ना, आप अपना स्टांस को थोड़ा सा देखें कि आपको लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, कोई ऐसे इशूज़ यहाँ पे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी धमाका हुआ, दो दिन पहले, और इस तरीके से नहीं देखे टेररिस्ट के बारे में मैं तो ऐसे कुछ नहीं कहूँगा कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर मुस्लिम। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरों को मारें, ऐसा दीन कोई भी नहीं है, स्पेशली हमारा इस्लाम दीन ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये आपने की कि वो जो आपने कश्मीर के हवाले, हाँ कश्मीर के बारे से बात होनी चाहिए, कश्मीर हमारे पास ही आना चाहिए। आई विल प्रेफर टू टेक द कश्मीर इन पाकिस्तान नॉट इन इंडिया। लेकिन जो वो बातें करना चाह रहे हैं, मुआदे करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे कंपनी सॉरी कह रहा हूँ जो कंट्रीज हैं उनको भी ये ट्रस्ट नहीं है कि कल को हमारे मुल्क में क्या होगा, हमारे कंट्री में कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। कभी नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, कभी खान साहब आ जाते हैं, कोई एक बंदा कोई होगा परमानेंटली, देन द अदर कंट्री दे विल थिंक अबाउट आवर कंट्री एज वेल। ठीक है, यानी कि अगर वो बात करने के लिए सीरियस होंगे भी तो वो ये सोचेंगे बात करनी किससे है, कल को क्या होगा। और कल आपने को... आपने जो स्टेटमेंट दी कि आप पर्सनली ये चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की साइड पे आए, हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है, यही सोच है, लेकिन हमारे पास ही आएगा इंशाल्लाह। वो थोड़ा सा अगर लॉजिकल बात करें इससे, हम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, हम उसको कितना डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज उन कश्मीरियों को दे रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज दूसरा कश्मीर का हिस्सा भी हमारे साथ आता है तो हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, उन्हें हम जो है इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? ये भी आप तो मैनेजर हैं, मुझे देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट विल बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमें ही मैनेज नहीं कर पा रही। यही बात है। अच्छा, वहां पे जो जॉब्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन कश्मीरियों को, हमें कश्मीर से प्यार है या कश्मीरियों से प्यार है, मुझे ये बताएं। I think दोनों से ही प्यार है। अच्छा, दोनों से ही प्यार है। आपको क्या लगता है कि जिससे प्यार हो, जहाँ पे वो सुखी रह रहा हो, जहाँ पे उसे रोटी अच्छी मिल रही तो हो, उसको वहीं पे रहने दे, खुदा रहा उसको वहीं पे छोड़ दे, यही चीज है। लड़ाई झगड़े ये नहीं होना चाहिए फिर। ठीक हो गया जी। क्या लास्ट में कहेंगे, जब आप दुबई में रहते हैं, वहाँ पे जब देखते हैं इंडियंस को, पाकिस्तानी को, क्या वहाँ पे भी लड़ते रहते हैं आपस में या वहाँ पे मिलके रहते हैं? आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पिछले 8 साल से दुबई में हूँ, मैं कल ही मैंने लैंड किया, आई जस्ट लैंडेड यस्टरडे इन पाकिस्तान, फर्स्ट डे इन पाकिस्तान। ओके, सो द थिंग इज व्हेन वी वर्क टुगेदर वी डोंट थिंक दे आर पाकिस्तानी और दे आर इंडियंस, नेवर। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी फॉलो ईच अदर, एंड Yes, we फिर इधर आके या यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो क्यों इस तरीके से सोच रखते हैं? मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इवन आप इधर अपने तौर पे सर्वे कर सकते हैं कि आप किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेंगे कि हम तो नफरत करते हैं, वो तो दुश्मन है। वहाँ पे जाके आप कहते हैं कि वी लव ईच अदर। That's true. That's true. We really love each other because we work there. ठीक है। We live there. तो अगर यहाँ पे भी आपस में ट्रेड ओपन हो जाए, आपस में बिजनेस हो, तो फिर शायद यहाँ पे भी दोनों साइड पे कहा जाए। I wish, लेकिन ये चीजें सिर्फ कहने की हद तक है, इंप्लीमेंट नहीं होता इन चीजों पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक हो गया जी। ऐसे ही है जी, कहने की हद तक है, और ये अगर वाकई में इनके ऊपर इंप्लीमेंट हो, जो 75 साल से हमारा इशू चलता आ रहा है, जो हम आपस में इख्तलाफात, चार जंगे भी हो चुकी हैं, लेकिन अगर प्रॉपर इसके ऊपर वर्क किया जाए, बैठ के टेबल टॉक के थ्रू इन इशूज को हल किया जाए, तो शायद जैसे दुबई में, जैसे यूरोप में, या किसी भी कंट्री में जाके ये कहा जाता है कि वी लव ईच अदर, ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी यही कहें कि वी लव ईच अदर। ऐसा ही है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन नो, बट आई वांट टू से समथिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो फॉर माय पाकिस्तानी ब्रदर्स, माय पाकिस्तानी नेशन, जो मैं फील करता हूँ। तुसी भी लंगे बाबा जी। अच्छा जी, एनीवेज मैं ये मैच थोड़ा सा मैसेज, आई डोंट नो यू विल प्ले दिस व्लॉग और नॉट, आई डोंट नो, अपलोड करेंगे। द थिंग इज वेरी गुड। ठीक है, ओके। हमारी ये भी कॉम जो है ना, मैंने जो 8 सालों में ऑब्जर्व किया है ना दुबई में, मैं आई एम नॉट सेइंग लाइक अबाउट माई सेल्फ, लाइक मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी जो कॉम है ना, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, इंक्लूडेड माई सेल्फ, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं एजुकेशन के हवाले से, और खास तौर पे दुनिया जितनी तेज से डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है, और हम आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बिजली और इन चीजों में फंसे हैं। ये क्यों फंसे हैं, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, आप बताएं? हमारे जो पॉलिटिशियन है, एग्जैक्टली, उनको अपनी पड़ी है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको घरों में, उनके घरों में बड़े बड़े, जी जी कोई मसला नहीं है, उनके उनके घरों में बड़े बड़े वो जनरेटर हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं,
उनको कोई फिक्र नहीं है कि गरीब क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, पिसते पिस रहे और पिसते रहेंगे, नहीं पिसते नहीं, उम्मीद अच्छे की रहेंगे। कब तक, कब तक मुझे बताएं, कब तक उम्मीद रखेंगे आप? देखें जब तक मैं ये समझता हूँ 5 years हो गए, अभी भी आप क्या उम्मीद लगाएंगे आप इन लोगों से? अगर उम्मीद छोड़ देंगे, आप इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? तो फिर किससे उम्मीद लगाएं, किससे उम्मीद लगाएं? अल्लाह से लगानी पड़ेगी बस, ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, आई स्वेयर। लेकिन करना तो हमने खुद जाना, उनको सिर्फ अपना ही है, उनको सिर्फ अपना ही है कि मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे इनको कुर्सी की, इनके आपस में जंग है, हमारी जंग नहीं है, ये मेरी कौम है, ये मेरी कौम है, हमारी जंग नहीं है। जब लोग हमारा सोचेंगे, हम भी इनका सोचेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे, कुछ नहीं है, गरीब मर रहा है इधर, महंगाई आसमान को छू रही है। क्या यार, सिर्फ इतने से आप महंगाई कम कर दें ताकि गरीब तो दो वक्त की रोटी तो इजीली खा सके। डेवलपमेंट की बात तो दूर है, टेक्नोलॉजी की, आईटी की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर कम से कम हम नॉर्मल वे में का सोचे, महंगाई कम करें ताकि गरीब इंसान दो टाइम की रोटी खा सके, बिजली का बिल कम करो यार, खुदारा लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आपने मरना भी है, कबर में आपने जवाब भी देना, मेरी याद रखना। अच्छा लगा बात करके, और इनकी जो आई एम वेरी डेस्परेट, पाकिस्तान में गरीब की कोई जिंदगी नहीं है यार, कोई जिंदगी नहीं है, ऐसे ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उम्मीद हमें कायम रखनी चाहिए, उनकी अपनी ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करते हैं। ले आइए मजीद किसी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम करते हैं, आपसे पहले भी एक या दो बार बात हो चुकी है। जी जी बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, और बहुत ओपनली उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं, हम चाहते हैं कि तमाम इशूज़ के ऊपर बात की जाए इंडिया के साथ, चाहे वो कोई भी इशू हो। क्या समझते हैं आपके, अब कोई फ़ायदा हो सकता है अगर हम इधर से कोई अपना इस तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं या मैसेज भेजें तो? यार ये तो मैं करता ही हूँ, टॉपिक और नहीं होता, क्योंकि इंडिया का लाजमी होता है कि आपके पास कोई एजेंट वगैरह तो नहीं है, इंडिया की टॉपिक होता है आपके पास। अच्छा, पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है यार। ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल, पाकिस्तान के वाले से भी कोई टॉपिक ले आए। अच्छा सवाल किया, अगर अब मैं आपको बोलूँ कि सर आप डेली जोन्स हैं वो गारमेंट ही सेल करते हैं, कभी आप कोई खाने की चीज़ भी सेल कर दिया करें, कभी आप कोई मतलब कोई और चीज़ भी सेल कर दिया करें, तो आप क्या आंसर करेंगे उसका? सर वो डेफिनेट फील्ड है ना, हर फील्ड है। अब टॉपिक ले लिया, पाकिस्तान के बड़े टॉपिक हैं उसमें भी बात कर सकते हैं। तो अभी इसी टॉपिक में, अगर इसी आज के टॉपिक की बात करें, तो इसमें पाकिस्तान पहले आया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात पहले की है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर हम रिएक्शन ले रहे हैं, ये तो आप सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया के वाले होती है, बहरहाल चलें ठीक है। आप मुझे बता दें, ठीक है नहीं, इसके ऊपर भी बात करते हैं, बता दें कौन सा ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान में ये चीज अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ही, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऐसी चलती रहेगी, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बना लूंगा, मुझे बताएं। चलें नेक्स्ट आप जब आएंगे तब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। नहीं तब फिर आप सोचिएगा, फिर अगर हुआ आपके पास टॉपिक तो हम जरूर करेंगे। मैं ऐसे बोल दूं वो टॉपिक ना आपके रिलेटेड ना और लोग देखे भी ना, नहीं, तो नहीं, देखे ना देखे कोई इशू नहीं, पाकिस्तान में कोई चीज डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर बात। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको भी पता है। तो फिर यही चीज है, हमारा बात करने का मकसद यही होता है कि अगर नेबर में चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो हमें भी सीखने की जरूरत है, और बात पाकिस्तान में ही की जाती है, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान के शहरी के साथ बात करता है। अब हम टॉपिक की तरफ आए, चलें जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं क्या इंडिया वाले अब इस स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? वो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है, उनकी नज़र में हमारी कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है, तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है, इससे क्या बात करनी है, कौन से टॉपिक पे बात करनी है, वो एक तरफ से वो जंग कर चुके हुए हैं हमारे साथ, तो वो इसलिए वो किसी भी टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते। हम इधर से कहते रहते हैं भिखारियों की तरह, वो वैसे तो है ही हमारा भिखारी, तो वो भिखारियों की तरह ही करता रहता है, यार मेरे से बात कर लो, यार उनको ज़रूरत होगी तो वो खुद आपसे बात करेंगे, अगर कोई परेशानी होगी तो वो खुद बात करेंगे, हमें बार बार करने की क्या ज़रूरत है? कभी उन्होंने हाथ बढ़ाया हमारे साथ? नहीं, उन्होंने हाथ बहुत दफ़ा बढ़ाया है, इवन उनके जो भी इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो ओपनली कह चुके हैं कि भाई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के जंग की जाए, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ कहने को बहुत सारी बातें हैं, वो कर जाते हैं, वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए या आलमी ताकतों को खुश करने के लिए वो बातें कर जाते हैं, पर उस पे कोई रद्दी अमल नहीं होता, कोई काम नहीं होता। इसका मतलब है जो अगर अभी शहबाज शरीफ साहब ने बात किया वो भी आलमी ताकतों को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए की है? नहीं 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 सर, इसमें तो पूरी सियासत होती है ना, अब वो बात कर रहे हैं वो जो जिनसे पैसे लेने हैं उनको खुश कर रहे हैं कि जी नहीं हम तो इंडिया के बड़े ताबेदार हैं, वो आपको पता भी है क्या, वो उसमें भी आ चुका है, उनके अमेरिका की एक मेंबरशिप भी ले चुका है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो यही दिखाना चाहते हैं
कि जी नहीं हम तो बड़े अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया की तरफ से हमेशा दो ही इशू आए हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने बोला ना कि हर इशू के ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं। जो मेजर इशू इंडिया वाले कहते हैं कि भाई एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और दूसरे नंबर पर कश्मीर का इशू, आपको लगता है कि इन दो, पहले नंबर पर तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम मानते ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट लेवल पर लोग कहते हैं नहीं जी हमारी तरफ से तो हो ही नहीं रहा, तो इंडिया वालों का तो पहला इशू ये है कि आप इसके ऊपर अगर काम करोगे, इसे कंट्रोल करोगे तो हम आपके साथ बात करेंगे। आप उनके पे देख लें, कोई भी मजहब के हवाले से आजादी नहीं है। अच्छा, कई लोग, कई मुसलमान मरे हैं, आप देख लें पीछे हिस्ट्री निकाल के देख लें, उस तरह के दंगे कभी पाकिस्तान में हुए? ठीक है, आपने बोला कई मुसलमान इंडिया में मरे हैं, ठीक है, मुझे ये बताएं जब 1947 में इंडिया में मुसलमानों की आबादी क्या थी, कितने परसेंट थी, आज कितने परसेंट है, मैं आपको बाद में बता दूंगा रफ आइडिया। और पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज थी, खासतौर पर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, उनकी आबादी कितनी थी और आज कितनी? सर मेरी बात सुने, आपने बात बिल्कुल ठीक किया कि पाकिस्तान के अंदर जो अब आबादी है ना मिनोरिटीज की, हिंदुओं की, वो उधर ज्यादा है, मुसलमान जो उधर ज्यादा है। तो फिर वो कैसे, जब इतने आपने बोला मर के मार दिए गए तो वो मुसलमान फिर भी ज्यादा? देखिए, दंगे की मैं बात की है, दहशतगर्दी की बात हो रही थी, ठीक है, दंगे और किस तरह से मुसलमानों को मारा, क्योंकि वो वीडियोस ऐसी हैं कि वो हम पब्लिश करते हैं तो वो होती नहीं है ना, किसी सोशल मीडिया पे होती नहीं है। अच्छा, वो जिस तरह से मारे गए आप देखें, आपके पास सोशल मीडिया पे वो वीडियोस ऐसी हैं पब्लिक ही नहीं होती, नहीं तो कारी नहीं, वो उनका और सर वो पहुंच जाती है, मसलन के टिकटॉक पे आप मैं लगाऊंगा ना तो वो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो उन्होंने वो किया हुआ कि पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ कोई वीडियोस नहीं लगा सकते आप। अच्छा ठीक है, इसी तरह यूट्यूब है, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक वीडियो है आप मुझे दें। अभी फिल वक्त नहीं है, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपको, फिर मेरे पास पड़ी हुई है मैं दिखा दूंगा आपको, मैं नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो दिल जाई होगी, दिल खराब होगा जिस तरह से उन्होंने। बाकी बात हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, दहशतगर्दी की, आपने दहशतगर्दी वो तो हमेशा कहता है दहशत, सबसे ज्यादा दहशतगर्द तो वो है, और जिस तरह से वो जासूस उनका पकड़ा गया वो खुद मुंह से मांग रहा कि भाई मैंने इतने बम धमाके करवाए और मैंने वहां वहां करवाए, तो वो क्या है, वो हम झूठ बोल रहे हैं। तो अभिनंदन की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कुलभूषण यादव की, दोनों की, दोनों की बात कर रहे हैं। कुलभूषण यादव की अगर बात, वो तो बंदा खुद से मांग रहा है कि मैं जासूस हूँ, मैं राग एजेंट हूँ, तो फिर वो क्या, उससे नहीं प्रूफ होता कि ये बंदा, ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक हम सजा क्यों नहीं दिलवा पाए, आप ये मुझे बताएं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी तक क्यों नहीं सजा दिलवाए, पूरी दुनिया को पता चले? तब दिलवाई जाती है जब आपका पाकिस्तान मुल्क जो है वो खुद मुख्तार होगा, मैं तो उसको खुद मुख्तार समझता ही नहीं। मैं कहता हूँ सजा तब दिलवाई जाती है जब आपके पास सबूत हो, खुद मुख्तार। आप देखें, आप अपनी दफा हम मजलूम बन गए। सर मजलूम की बात ही नहीं है, जितने कर्जे हैं हमारे पास, जितने हमने लिए हुए हैं, हम अगर किसी को सजा, वो पहले ही अब वो देख ले, जब अमेरिका का एक बंदा था यहाँ पे बंदे मार के और वो रातों रात चला गया, हाँ जी ठीक है, कैसे चला गया था, हो सकता था ऐसे? देखें वही बातें हैं ना कि हम कमजोर हैं और दूसरे नंबर पे जब हम क्यों बात है, करें, क्यों कमजोर क्यों है, हमारे जो इदारे हैं ना, वो उनके सारे माँ बाप भाई बहन सारे तो बाहर बैठे हुए, सारी जायदादें उनके बाहर हैं। ठीक है, हमारे जितने जो हैं क्या नाम है सियासतदान है उनकी सारी जायदादें बाहर हैं, तो वो किस तरह स्टेप लेंगे, उनको पता यार मेरी उधर सारी पैसे जो है जब्त कर लेने उन्होंने। ठीक हो गया, आपने एक कुलभूषण यादव की बात की, इंडिया वाले एक की बजाय 10 की बात करते हैं, कभी वो लश्करे तैयबा की बात करते हैं, कभी वो हाफिज सईद की बात करते हैं, कभी वो अजमल कसाब की बात करते हैं, और वो तो इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों को साबित भी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। देखें ना, अगर हाफिज सईद की बात करें तो उनकी पार्टी भी बैन है, वो भी पाकिस्तान में बैन है, मेंबरशिप है ना उसके पास। अच्छा, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अब जो जिन्होंने सजा दिलवानी है, जिन्होंने माननी है, वो तो सारा अमेरिका वो सब है ही उसके साथ। अच्छा ठीक है, आपको पता है कि ये जितनी भी चार जंगें हुई हैं, इवन खास तौर पे अगर 1965 की बात की जाए अमेरिका किसके साथ था, इसके अलावा 1971 की बात की जाए अमेरिका किसके साथ था, आपको थोड़ा सा आइडिया है इंडिया पाकिस्तान में दोनों में किसके साथ? सारे साथ की बात छोड़े, वो हमें तो देखे ना, हर बंदे ने जो है ना, अब देखें ईरान और इराक और ये सारे इकट्ठे हो गए ना, चीन इत्तेहाद बन गया ना, अब चाइना ने उनको समझाया कि भाई आपस में ना लड़ो, अमेरिका क्या कर रहा था, ठीक है, क्या बेच रहा था, तो हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही, हम क्यों लड़ रहे हैं? देखें आज पब्लिक में बात करने का मकसद, पब्लिक भाई जिसको समझ आती है ना उसको तेदार में रहने नहीं देते, जिसको समझ आ रही थी ना उसने कहा था कि भाई किसी के पर्सनल मैटर में बोलना ही नहीं है, ठीक है, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ जाके बोलना शुरू कर देते हैं, वो वजीर आजम से पहले है, ठीक है, नहीं वजीर आजम तो हेड होता है ना किसी भी स्टेट का। फिर यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, जब तक हमारा सिस्टम बेहतर नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हम किसी के साथ बात करने के लायक नहीं। पहले अपने आप को मजबूत तो करें, उसके काबल तो बनाएं।
ऐसे ही है, उसके काबिल तो बने कि हाँ भाई यार ये बंदा मेरे साथ बात करना चाह रहा है और मैं ऐसे बात करूंगा, ठीक हो गया। तो वो जब अपने आपको एक तरफ हम कहते हैं कि बराबरी की सतह पे बात की जाए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम तो बराबर नहीं है, हम कमजोर हैं, तो वो कहेंगे जी हाँ जी करते हैं जी, ये फलाना हिस्सा सानू दे दो, ये फलाना हिस्सा सानू दे दो, ये फलाना जो है ये कश्मीर की खास तौर पर बात करें वो कहते हैं वो जो उनके पास है वो तो है ही उनका, तो अभी जो पाकिस्तान वो भी दो, वो तो ये कहते हैं कि बलोचिस्तान भी दो, वो तो ये कहते हैं कि जी अब पंजाब कहते हैं जी खालिस्तान बनना है, कई कई ऐसी चीजें हैं कि पंजाब जी टू कंड है जी, वो हमारा हिस्सा जी, ठीक है। तो वो तो हमारी तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट ही जाती है ना, हमने कब कहा कि कश्मीर उन्हीं का, हम भी तो यही कहते हैं हमने भी कश्मीर आजाद करवाना है। वो तो भाई लाल बत्ती है ना, वो तो छोड़ ही दो, वो तो कब का आजाद हो गया, बिक गया, वो तो कहानी खत्म हो गई ना, वो तो कब का सौदा हो गया। अच्छा, अब ये खबर के ऊपर तो हमने बात की, अब जरा मेरी और आपकी हम इस हवाले से बात करते हैं। आपको ये भी पता है कि हम इंडियन जो खासतौर पर जो न्यूज होती है पाकिस्तान से, न्यूज इंडिया के हवाले से होती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया से लोग हमें बहुत ज्यादा देखते हैं, जब आपको भी वहां पे देख रहे होंगे, जो आपने बातें की हैं, क्या आपकी बातों पे वो हंसेंगे, आपकी बातों को सीरियस लेंगे, क्या समझेंगे? मतलब अगर आप लॉजिकल बात नहीं करेंगे तो यार लॉजिकली बात मैंने की है ना आपके साथ, जो मैंने बातें की है मैंने पाकिस्तान के हवाले से बात की है, ठीक है। मुझे पता है इंडिया हम सब बहुत आगे चला गया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। उनका जो सिस्टम है ना, मैं आपको एक छोटी सी आज बात बता देता हूँ, आप माशाल्लाह से समझदार हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, जो हमारे सियासतदान है या हमारे दियार है, वो अपना ख्वाब देखते हैं, ठीक है, अवाम का ख्वाब नहीं देखते। वो कहते हैं हमारा ख्वाब कैसे पूरा होगा, इसी तरह उनकी जो हुकूमत है ना वो कहती है यार अवाम के ख्वाब देख लो, अच्छा उनके पूरे कर दो, हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये पहले कहते हैं, मेरे मुंह से गंदे अल्फाज निकलते हैं, ये कहते हैं यार पहले हमारे ख्वाब, हमें यहाँ पे, हमें वहाँ पे कोई ऐसा जजीरा मिलना चाहिए, हम जब यहाँ से रिटायरमेंट हो और वहाँ पे जाके हम रहे, हमें वहाँ पे विलेज मिलने चाहिए, ये अपने ख्वाब पहले देखते हैं। हमारे बच्चे के पास वहाँ पे फरारी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा पढ़ रहा हो, अच्छा गा रहा हो, ईच एंड एवरी थिंग, ये सबसे पहले वो हम उनके जो वजीर आजम है मोदी साहब या जो भी हैं उनके, वो ये सोचते हैं कि यार हमारी अवाम कैसे ऊपर आएगी, ठीक है। और शायद इसी वजह से वो उनकी अवाम भी ऊपर आती है और वो खुद भी बार बार अभी रिसेंटली वो जिनका ये ट्विटर है जिस रिसेंटली ट्विटर, वो कह रहा है कि जी मैं गाड़ी वहीं पर बनाऊंगा, टेस्ला वालों ने किया ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी खानी की पड़ी हुई है, उनको पता है यहाँ पे ना कानून की बालादस्ती है, ठीक हो गया। अमेज़न आया था वो भी चला गया। और एक बात बड़ी हैरत वाली है कि जब पहले आपसे बात की है, अभी 5 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि मोदी जी जो उनसे हैं वो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, अभी वो कह रहे हैं वो अपने पब्लिक सर, के लिए। देखे पब्लिक है ना, अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यार सियासतदान है ना, अच्छा। सियासत समझ आम आदमी को आ जाए तो वो तो सियासत ही नहीं है ना, और ये इतने बड़े बड़े हैं ये सियासतदान मोदी जी, हम उनके तो कुछ भी नहीं है, जो उनका माइंड थ्योरी है, जो उनके पास सोर्सेज है, वो जिस तरह से वो सोचते हैं उस तरह से हम तो नहीं ना सोच सकते। दहशतगर्दी वाली सोच रखता है कि एग्जाम्पल है कोई भी, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, या दुनिया के किसी भी कंट्री के, अगर वो दहशतगर्दी वाली अपना माइंड सेट रखते हैं तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी भी बन जाए, डेवलपमेंट की तरफ। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है कि हमें इसी लाल बत्ती के आलमीदारों के अंदर यही लाल बत्ती लगे रहेगी, ये पाकिस्तान का भी ऊपर ही नहीं है, तो है ही दहशतगर्द, और काफी हद तक इमरान साहब ने आके ये खत्म कर दिया था, ठीक है। अभी फिर वही हरकत है, अभी जो कल परसों हमला हुआ है, अटैक हुआ है बजोड़ में, आपको पता है कि 50-60 के करीब लोगों की जाने गई हैं, 200 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और शदीद जख्मी क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये किसने करवाया आपके ख्याल में? सर मेरे बात सुने, इमरान खान की हुकूमत थी, मैं वो कहता हूँ वो नहीं है, ठीक था वो कुछ भी था, जो लोग लेके आए उसकी हुकूमत में कोई बम ब्लास्ट हुआ? अटैक तो उनकी हुकूमत ने भी हुए, इस लेवल का नहीं हुआ, कोई ड्रोन या इस तरीके से, इस तरह से नहीं होते, ठीक है, ठीक है, हर चीज को कवर अप किया हुआ। अब हुकूमत जो है एक बंदे को डगाने पे सारी एक तरफ जो एनर्जी सारी एक तरफ चली जाएगी तो फिर इसी तरह के मसले तो होंगे। हमारे अगर पाकिस्तान के अदारे हों, गवर्नमेंट हों या पॉलिटिशियन हों, एनर्जी एक ही साइड पे, ये मतलब किसी एक को गिराने या किसी एक को उठाने में लग जाएंगे तो इन्हीं चक्रों में पाकिस्तान ही नीचे गिर जाएगा, और जो कि गिरता जा रहा है, गिर चुका है यार, गिर चुका है। आप पासपोर्ट के ऑफिस चले जाओ, पहले 200-300 बंदा, 1500-3000 बंदा खड़ा होता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आउट हो रहा है वो, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर पासपोर्ट की वैल्यू अगर देख लें तो वो दिन बाद दिन नीचे जाती जा रही है, दुनिया के आखिरी 4 कंट्रीज में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू आती है। सर अब क्या कर सकते हैं हमारे हुक्मरानों का, मैं आपको बताऊं, बड़ी आज अच्छा इनके साथ बात करने का मजा इसलिए आ रहा है कि ये पहले ये कुछ और स्टेटमेंट मतलब दे रहे थे कि उनकी तरफ से हमेशा ऐसा किया गया, और जब फिर डेवलपमेंट की बात हुई तो इन्होंने माना कि हाँ डेवलपमेंट। मैं आपको बताऊं, आपने बोला क्या कर सकते हैं, हम अपनी सोच बदल लेना, इस टाइम ना तो इंडिया को हमारी जरूरत है, ना चाइना को इवन हमारी जरूरत है, किसी को नहीं हमारी जरूरत, अगर जरूरत है तो हमें खुद अपनी जरूरत है, इसलिए हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। देखिए हमारी सोच चेंज हो चुकी हुई है, काफी हद तक चेंज हो चुकी हुई है, और जिन लोगों ने आगे चेंज की थी ना
वो असल में इक्तदार में नहीं है। अगर वो इक्तदार में होते तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रही थी, फ़ोन कंपनियां आ रही थी, सारा कुछ हो रहा था, हुंडा यहाँ पे मैनुफैक्चर्ड हो रही थी गाड़ियां वगैरह, और साथ में वो और भी दो तीन कंपनी है चाइना की, वो भी इधर हो रहा था, सैंपलिंग हो रही थी, ठीक है। और वो आने वाले दिनों में और भी बहुत काम होगा, को सिविक को होंडा की बात करें, टोयोटा की बात करें, उन्हें सुजुकी की बात करें, उन्हें प्रेफरेंस देते हैं, ये साथ टाटा है, ये साथ हमारे जो उनसे महिंद्रा है, इन्हें क्यों नहीं प्रेफरेंस देते? मतलब सवाल थोड़ा अजीब लगे आपको। सर देखे ना, जो दिमाग में डाल दी है ना ये चीज, जो दिमाग में शुरू से डाल दी है, वो दुश्मन है हाँ। तो वो हमेशा दुश्मन ही रहेगा, उनकी वाम के दिमाग में भी डाल दिया है हाँ। और हमारी वाम के ठीक है, उनकी वाम, लेट्स सपोज उनकी वाम के दिमाग में डाल दिया है, तो वो तो अपना ये, वो ये सोच लेके नहीं बैठे के पाकिस्तान दुश्मन पाकिस्तान, वो तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमने तो फिर इसका मतलब एक ही सोच अपने माइंड में रखी है ना, डेवलपमेंट जो है ना, अब जंगे जो होती है, अब जंगे इस तरह नहीं होती कि बंदूकों और तोपों के साथ नहीं होती, जंगे इस तरह होती है इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी के साथ ऐसे ही है। और ये चीज हकीकत है, अब किसी को भी डुबाना ना तो वो इसी तरीके से डुबाना चाहते हैं। वो देखे ना यार, वो एक सैफर आया और सैफर क्या क्या बना और किस तरह से हुआ, माशाल्लाह आप समझदार हैं, सारी चीजें समझ। अच्छा, ये जो भी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्या उसकी रीजन ये तो नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे दबाव डाला गया है कि भाई आप इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें? इवन इस्लामिक कंट्रीज ने भी ये बोला है, पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं सऊदी या यूएई के, भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो। बिल्कुल यार, अब जाहिर सी बात है, अब हम वैसे ही कमजोर हो चुके हैं, माशी हालत भी कमजोर है, पैसे भी नहीं है, पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सोच फिर नहीं बदल रहे, फिर भी हम यही कहें कि मुसलमानों को वहां मारा जा रहा है, फिर भी हम यार देखो मारा गया नहीं मारा गया नहीं, मैं देखें हर जगह पे इश्यूज होते हैं, आप मेरी बात को समझे, मैं समझ देता हूं, यहां पे कोई हिंदू मरा है? ओ अच्छा, आप, मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप 1947 से कितनी आबादी थी हिंदुओं की, आज कितनी है ये बता दें, या नेट पे जाके सर्च कर लें, आप हैरान हो जाएंगे। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया भाग, मैं कराची से होके आया हूँ, वहां पे अभी प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं, वहां पे इश्यूज ये चल रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन का इशू चल रहा है, जबरदस्ती मजहब चेंज करवाने का, इसके अलावा उनके जो मजहबी मकाम है उनको लेके इशू चल रहे हैं, इवन कत्ल की ये गलत है। तो फिर थोड़ा सा नॉलेज होगा तो हमें पता चलेगा ना हमारे पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे, मैं पंजाब में खड़ा हूँ, आप कराची की बात कर रहे हैं, सिंध की बात वो कर पाकिस्तान रहे नहीं, पाकिस्तान ही है, मैं इधर पंजाब में खड़ा हूँ, ठीक है। मैं देख रहे हैं ना, अब मीडिया को हमने कितना को कंट्रोल कर लिया, पहले ये चीजें आती थी, हम उधर तो हमारा जाना नहीं बनता, कारोबार इधर है, बच्चे इधर है, पहले कराची की न्यूज आती थी, ऐसे ही है, अब तो न्यूज भी नहीं आती, यही सोचने वाली बात है, ये चीज सोचने वाली बात ये है कि पंजाब में रह के हमें सिंध की न्यूज नहीं आती, कराची की न्यूज नहीं आती, लेकिन नहीं इंडिया की न्यूज आ जाती है कि भाई इंडिया में जरूर, ये आपको नहीं लगता यार, ये प्रॉपर की बात नहीं है ये, अब तो माशाल्लाह से कोई भी नहीं मुझे न्यूज आई, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में हुआ है ऐसे, पास्ट में हुआ है, पास्ट हाँ फ्यूचर नहीं, पास्ट में हुआ है ऐसे, लेकिन अब आपके ख्याल में वहाँ पे हालात ठीक हैं? मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक कोई नहीं वीडियो देखी, क्योंकि इन दिनों में मैंने ये पूछा कि आपको यही बताया कि यार वहाँ पे भी दंगे होते हैं, ठीक है, होते रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कोई इस तरह का नहीं हुआ सिस्टम, जिस तरह से वो मार देते हैं, कलवारियों के साथ मार दे रहे हैं, किस तरह से मारते रहे हैं। चलें जी, देखने वाले भी मुझे बताएंगे कि जो इनकी ओपिनियन है, और दूसरे नंबर पे हमारी जो कोशिश होती है वो हमेशा यही होती है सोच बदली जाए, और इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के पब्लिक की अगर सोच बदलेगी, नफरतें माइंड से निकलेंगी, तो शायद इसमें पाकिस्तान वालों की, हमारी उनकी जो आवाम है उनसे हमारी कोई नफरत नहीं है, ठीक है, उनके जो हुक्मरान है जो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो जिस तरह की हरकतें करते हैं हमारी उनके साथ होती है, अवाम तो हमारे जैसी है, हमारी वो यही कहते हैं, जैसे आप प्यार से ये कह रहे हैं ना, अवाम से नफरत नहीं है हमारी, उनके अवाम से कोई नफरत नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारी इनकी अवाम से भी नफरत है और इनके गवर्नमेंट से भी नफरत है, क्योंकि जब कहीं पर गलत हो रहा है उसके खिलाफ ये खड़े नहीं होते, अगर माइनॉरिटीज के साथ कोई इशू होता है ये खड़े नहीं होते, और दूसरे नंबर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर वो हमेशा बात करते हैं। यहाँ पे तो हमारे तो कोई क्रॉस नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं ये हरकत देखी, ठीक है, बहरहाल वो कहते हैं तो हम मान लेते हैं, नहीं मानना नहीं, उसे अगर नहीं होता तो प्रूफ देना चाहिए, ये नहीं कहना नहीं है, प्रूफ कर दे, आज तक तो प्रूफ नहीं हो सका, कहीं भी मुझे बताएं कि प्रूफ हो चुका है, ठीक। ये जब आया था, ये जब ड्रोन गिराया गया, इनका जहाज गिराया गया है, तब भी यही कह रहे थे, वहाँ पे ये बम मारे हैं जी, वहाँ पे तो बहुत अलकायदा था जी, वहाँ पे तो कहाँ मिले थे, ठीक है, मुझे बताए ना, वो तो देखें जो चीज है वो हम मानते हैं, जैसे आपने जहाज तो की पर, बात की, पर वही बात आ जाती है ना, ऐसे हमने एक पायलट पकड़ा ना उनका, तो वो कहते हैं जो अपना 93,000 फौजी थे, फिर वो उनकी एग्जांपल देते हैं, वो तो हम हर साल 10 पायलट भी पकड़े तो उनके बराबर नहीं फिर पहुंच सकते, फिर वो कारगर, आप सही कह रहे हैं, कारगर का क्या हुआ था, देखो
चार पकड़ ली थी ना उनकी। अच्छा पकड़ ली थी ना, ठीक है, और फिर उन्होंने छड़वा ली। छड़वाई फिर जाहिर सी बात है यार, आपको समझदार हैं आप। चले कोई नहीं जी, बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी ना किसी तरीके थोड़ी बहुत सोच बदली जाए, जो पॉजिटिव चीज़ है उसे सामने लाया जाए और जो सच है उसे सामने लाया जाए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।